नया दोस्त बना है, उससे पैसे खाऊंगी, उससे ये करूंगी, इस्तेमाल करते हैं छोड़ जाते हैं। बच्चियाँ रो रही होती हैं, इवन दैट ऐसी ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो प्रेग्नेंट हुई होती हैं, जैसे माँ बाप गए, टाइट किस्म की जीन, पेट नंगे, वेब पकड़ा होता है, फुल गुंडी बनी होती हैं, और बंदा कहता है ये वही लड़की है जो अभी गोन में थी। माँ बाप को पता होता है कि नहीं पता होता? माँ बाप को नहीं पता होता। अब देखिए, माँ बाप के सामने आप बुरखे में आ रहे हो, पीठ पीछे आप ये कपड़े कब पहन रहे हो? वालदैन को चाहिए बच्चों के साथ फ्रैंक रहे ताकि बच्चे उनको हर चीज़ बताएं। वालदैन की गलतियाँ होती हैं, वालदैन छोड़ के जाते हैं, बुरखे में होती हैं, जैसे ही वालदैन निकलते हैं जी उनके कपड़े देख लो, टाइट जीन और नंगे पड़ंगे ऐसे टाइप कपड़े पहने होते हैं जिनमें वालदैन के जिस्म नज़र आ रहे होते हैं, तो फिर डेफिनेटली ये वालदैन का क्या? जब वालदैन छोड़ के जाते हैं तो तब कैसे होती हैं? बुरखे पहने होते हैं, लिटरली ऐसी हजाबियन गर्ल्स होती हैं कि इनसे ज़्यादा नेक कोई नहीं है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद वालदैन गए घर छोड़ के, पाबंदियाँ होती हैं ना हॉस्टल में, हॉस्टल में भी वालदैन की तरफ से, तो जैसे माँ बाप गए, टाइट किस्म की जीन, पेट नंगे, वेब पकड़ा होता है, फुल गुंडी बनी होती हैं, और बंदा कहता है ये वही लड़की है जो अभी गोन में थी। माँ बाप को धोखे देने वाली होते हैं। माँ बाप को पता होता है कि नहीं पता होता? माँ बाप को नहीं पता होता। अब देखिए, माँ बाप के सामने आप बुरखे में आ रहे हो, पीठ पीछे आप ये कपड़े कब पहन रहे हो, माँ बाप को क्या पता होगा? मतलब यही समझना, हमारी बच्ची पढ़ रही है, अच्छे घरों की लड़कियाँ आती हैं। अच्छा, अच्छे हॉस्टल भी हैं आपकी नज़र में? हाँ, यहाँ पे बहुत से अच्छे हॉस्टल हैं, लिटरली जो 10 बजे बंद हो जाते हैं। और वहाँ पे इस तरह की लड़कियाँ आना है तो भाई एंट्री करवा के, हमारे हॉस्टल का भी यही हिसाब है। तो जिन्होंने जाना दिन के टाइम भी जा सकते हैं? दिन के टाइम, यही तो मसला, वो वही बात आ गई ना, हॉस्टल वाले कितनी पाबंदी लगाए, वो आपको रिकॉर्ड रखते हैं, आपके घर जो उनसे है वो कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो तब लड़कियां माफियां मांग लेती हैं, तो अब हॉस्टल वाले क्या करें मुझे बताएं, हॉस्टल वाले वहां कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे अदारे और हमारे कुछ भी नहीं कर सकते जब तक ये गलीज किस्म की जहालत किस्म की, ये जो लोगों को लगता है कि माँ बाप पाबंदियाँ लगाते हैं, खुदारा अपने माँ बनना है, खुदारा आपने किसी की बेटी है, अपनी ज़िंदगी तबाह ना करें, ये लड़कों का कुछ नहीं जाना, ये लड़के वहीं के वहीं रहने हैं, हम सफ़र जो अल्लाह ने लिखा है वो आपको मिल जाना है, किसी के पीछे भागने से ये नहीं होगा कि वो आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने एक अरसा यहाँ गुजार दिया है, मैं कहती हूँ कि इस्तेमाल करते हैं छोड़ जाते हैं। बच्चियाँ रो रही होती हैं, इवन दैट ऐसी ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो प्रेग्नेंट हुई होती हैं, इतना रोना आता है ना कि अल्लाह तू बहुत रहीम है, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना, मैं इतनी पकीज़ा नहीं हूँ लेकिन तेरी ज़ात ने मुझे महफूज रखा। हाँ, अच्छा, आपके पास जो लड़की है तैयार होके बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जाती थी, तो आप माशाल्लाह, आपने कहा जी मैं कोशिश करती हूँ बची हूँ या मैं अपने माँ बाप की मेरी तरबियत है, आप महफूज हैं, तो आपने उसको समझाने की कितनी कोशिश की? क्या आप हर इंसान को एक से दो दफ़ा समझा सकते हैं, लेकिन मेरे साथ हॉस्टल में गैदरिंग अच्छे लोग, मेरे एक चीज़ है, आप उस लड़की को कैसे समझाया आपने? समझाया नहीं क्या वजह थी? कहती मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे नहीं लगता वो छोड़ सकती है। आई से क्या होता है, आई से मिलने की अपना होता है, बंदा गुंडा हो जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, कभी कोई सुना है आपकी दोस्त ने, किसी ने बताया जो आपके साथ रहते? नहीं, कभी मैंने पूछा नहीं, और लिटरली मैंने आइस अभी तक आंखों से भी नहीं देखी। जब आइस का लोग नाम लेते थे तो मुझे लगता था बर्फ़ को ऐसा कह रहे मैं बर्फ को, तो एक दोस्त ने कहा कि वो कुछ पाउडर सा होता है, मैंने कहा फिट्टे मुँह मेरे, तो मैं आज तक आइस बर्फ नहीं समझती रह गई। तो ये चीज़ें होती हैं, इतना भी मतलब जारी बात है, हमने कभी हमारे फैमिली में ना इस तरह की कोई गैदरिंग, ना इस तरह की कोई चीज़, ना तो क्या पता होना था। वो आपको आके बताती थी कि आज मैं नए फ्रेंड के साथ नए दोस्ती हुई है, तो वो फ़ख्र से बताती थी, शर्मिंदगी से बताती थी, कैसे? फ़ख्र से, नया दोस्त बना है, उससे पैसे खाऊंगी, उससे ये करूंगी। ये चीज़ें असल में बच्चों को पैसा, लग्जरी लाइफ दूसरों की देख के सोशल मीडिया पे तो इस कदर मुनव्विस हो जाती है गलत कामों में, उनको होता है। मैं कहती हूँ अपना कैरियर बनाओ, अपना फ्यूचर बनाओ, जो अपनी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई से आप चीज़ खरीदोगे ना, खुदा की कसम आपको प्राउड फील होगा, वो ऐसा प्राउड, अपनी मेहनत से वो बड़ा प्राउड फील होगा, उसमें आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, उसमें आपको ये नहीं होगा। मैंने आप जब अपने पैसे दोस्तों पे भी लगाओगे ना, आपको वैल्यू, इज्जत मिलेगी, और लोग फिर आपको लड़की की नज़र से नहीं, इज्जत की नज़र से देखेंगे कि यार ये तो कमाने वाली खतून है, इसके साथ इज्जत से पेश। इज्जतदार जो लोग हैं उनको
कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता बिल्कुल उस तरह ये तो सारी हाँ बस एट द एंड मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे अल्लाह मुझ समेत सारी बच्चियों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे बस यही दुआ जो लड़कियाँ इस तरह की हैं जिस तरह आपकी वो दोस्त थी उन लड़कियों को क्या कहेंगी आप भी लड़की हैं आप हॉस्टल में भी रहती हैं उनको कहे का कुछ समझ तो आनी नहीं है कहने का क्या फ़ायदा खुदा रहा आप कल को माँ बनेगी माँ बाप का कल को आप भाइयों का ख्याल करें बीवी बनेगी तो अपने शोहर को क्या मुंह दिखाएगी और कल को माँ बनेगी तो अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगी कि हमने ये किया तो खुदा रहा अपनी ज़िंदगियाँ संवारें इन चीज़ों से निकलें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को चेक करवाएं परेशान है कुछ है तो दूसरों से शेयर करें लेकिन इन चीज़ों से गुरेज करें बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन तमाम उन बेटियों को समझना चाहिए जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं और माँ बाप की रिस्पेक्ट है कल को क्या मुंह दिखाएंगी किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगी और उनके माँ बाप को कभी पता चल जाएगा तो क्या इज़्ज़त रहेगी और जो असातिज़ा इकराम हैं जो प्रोफेसर साहिबान हैं उनको भी सोचना चाहिए कि बेटियाँ बहनें माएँ तो सांझी होती हैं सोचें कि क्या मुआशरे को सबक दे रहे हैं क्या कर रहे हैं इसके साथ इजाज़त दे दिए अल्लाह ने के बाद।